है सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं बंगाली आमिर। आप सबको ईद मुबारक। कैसे हैं आप लोग? और अगर उनसे मिलना तो उनसे ये कहना कि मेरी भी ईद मुबारक कर दें। अच्छा, मुझे नहीं मालूम साउंड का क्वालिटी कैसा है, क्योंकि इसके अंदर कुछ लाइव सेशन चलेगा। माइक वगैरह जो है वो एक्सटर्नल माइक वगैरह यूज़ हो रही है, तो अभी मुझे नहीं मालूम है, तो बाद में रिजल्ट मालूम होगी। बार एक नया वीडियो में डाल रही है आज, इसके अंदर आपको नक्श को जो कोई भी नक्श कोई आयत है उसको किस तरीके से नक्श के अंदर भरी जाएगी, मैं उसका तरीका बताएंगे। ठीक है, ये भी एक फन है जो कि किताब वाले लोगों को नहीं मालूम। ठीक है, नक्श पढ़ना तो सबको आती है, लेकिन किसी भी आयत का आदत निकाल के उसका नक्श बनाना, यानी कि अब मैं आपको उस स्टेज के ऊपर लेकर के जा रही है कि जहां पे जा करके आप अपना नक्श खुद बनाएगी। ठीक है, आपको किसी से पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको उस स्टेज की तरफ लेके जा रही हूँ कि आप खुद अपना वैल्यू निकालेगी, उससे आप खुद अपना नक्श बनाएगी। ठीक है, तो ये चीज आप सीख लो, समझ लो, ये बहुत काम आएगी आपके। ठीक है, क्योंकि इस तरह का वीडियो पहले इंटरनेट पे मौजूद नहीं होगी, मुझे उम्मीद है पहली बार इस तरह का वीडियो आज इंशाल्लाह ताला। तो इसको आप सीख लो, समझ लो, आप किसी भी जगह पे मार नहीं खाएगी। आपको अगर नक्श बनाना और उसका वैल्यू निकालना और उसको किस तरीके से नक्श का शेप में उसको ले करके आना, ठीक है, ये अब आप खुद कर सकेगी। आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं होगी कि आप किसी से बोले कि जी मुझे आयतुल कुर्सी का जो है वो नक्श बना के दे दो, या ये मेरा नाम महबूब का नाम या क्लाइंट का नाम महबूब का नाम है और मोहब्बत की नक्श बनानी है या जो भी बनानी है उसको किस तरीके से भरी जाएगी, ये चीज मैं आपको सिखा रही। ठीक है, ये आप सीख लेगी, आप अपना काम भी करेगी तो सब काम भी कर सकती है, और जो मस्जिद का हमारा मौलवी लोग है वो लोगों का लोग उनका पास आती रहती है तो वो भी ये काम आसानी से कर सकेगी, ताकि वो परेशान नहीं होगी। ठीक है, तो ये मैं आपको बता रही है तरीका कार इसका। ठीक है भाई, सीख लो, बाद में कोई नहीं होगी अगर मैं मर मारा गई तो, आगे सोच लो। अच्छा, सबसे पहले ये आपका स्क्रीन आपके सामने। ठीक है, यहाँ पे चार चाल है, आतिशी फादी खाकी अभी ये मुसलस नक की जो है नौखाना होती है। ठीक है, ये आपकी नौखाना आ गई, सॉरी ये नौखाना आ गई आपकी। ठीक है, ये चाल आप अपने पास नोट कर लो, चाल आपके पास होनी चाहिए क्योंकि इस चाल के हिसाब से नक्श भरी जाती है कोई भी। ये जो 15 है ये नोट करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं इसलिए डाली है कि ये चेक करने के लिए ये की जाती है कि बैलेंस बराबर है या नहीं, यानी कि अगर सबका टोटल एक जैसा आ रही है इसका मतलब आपका नक्श सही है। ठीक है, सबका टोटल एक जैसा आना चाहिए, अगर किसी भी जगह पे कोई एक वैल्यू आगे पीछे हो जाए तो इसका मतलब आपका नक्श खराब बन गया। ये देखो 15 15, यहाँ पे मैं 10 कर दी तो इसमें चेंज हो गई, यहाँ पे वापस इसको 9 पे लेकर के आई तो ये वापस अपना वैल्यू के ऊपर आ गए। ठीक है, इस तरीके से चेक की जाती है मुसलस नक्श, आप नोट कर लो अपने पास डायरी में या स्क्रीन शॉट कर लो। ठीक है, मुरब्बा नक्श सोलह खाना की नक्श होती है, इसका 16 खाना है, ये सारे नक्श चाले आतिशी खा की बात या भी, और ये इसका बैलेंस चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे सिर्फ डाली हुई, और कोई मकसद नहीं है। जब भी बैलेंस चेक करनी हो इसी तरीके से चेक की जाती है, सबका टोटल बराबर आना चाहिए। ठीक है, ये भी आपकी समझ में आ गई, नक्श चाल आपके पास आ चुकी है। बैलेंस चेक करने के बता दी कि अगर बैलेंस बराबर है तो इसका मतलब आपकी नक्श सही बनी, अगर बैलेंस खराब है तो इसका मतलब आपका नक्श भी खराब बनी है। ठीक है, अच्छा जी, साउंड क्वालिटी का मुझे नहीं मालूम कि कैसा आ रही है, क्योंकि लाइफ है इसका, माइक्स वगैरह सब एक्सटर्नल यूज किए, तो बार जो भी गुजारा करिए आप लोग। ब्लैंक स्क्रीन यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बता रही थी। ठीक है, मुरब्बा मुसल्लस, ठीक है, यहाँ पर दो तरह का नक्श होती है, मुरब्बा और मुसल्लस, आपको मैं आगे दिखा चुकी है पहले। जब भी आप मुरब्बा नक्श बनाएगी किसी भी आयत का या किसी भी चीज का, आपको नक्श बनानी है और मुरब्बा नक्श बनानी है, तो आपको सबसे पहले उस आयत का वैल्यू चाहिए जो कि होगा उसका एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू में से आपको 30 माइनस करना होती है। ठीक है, 30 माइनस करने के बाद आपको उसको डिवाइड करना होती है, क्या कहती है, 4 से। ठीक है, ये मुरब्बा का है। ठीक है, मुरब्बा नक्श का जो हिसाब किताब है वो ऐसी है, एक्चुअल वैल्यू आपको चाहिए, उसमें से 30 माइनस करेगी, उसको 4 से डिवाइड करेगी, आपके पास
वो वैल्यू आ जाएगी जो खाने नंबर वन के अंदर रखी जाएगी। देखिए इसी तरीके से मुसलसल नफ्स जो कि इसका भी आपको पहले एक्चुअल वैल्यू चाहिए होगी, एक्चुअल वैल्यू का बाद आप इसमें से माइनस माइनस करेंगे आप इसमें से 12 12, ठीक है, ये माइनस करेंगे, फिर आप इसको डिवाइड करेगी 3 से, 4 से डिवाइड करेगी मुरब्बा को, 3 से डिवाइड करेगी मुसलस को। उसका वजह ये है मुरब्बा का एक लाइन के अंदर 4 बॉक्स होती है, ठीक है, और मुसलस का एक लाइन में 3 बॉक्स होती है, तो इसलिए 4 से और 3 से डिवाइड की जाती है, ठीक है। ये आप अपने पास इसको भी नोट कर लो, कर ली। आगे चले आप प्रैक्टिकल की तरफ आ जाती है, प्रैक्टिकल भी तो करके दिखानी है। यहाँ पे कोई एग्जाम्पल लेती है, क्या होनी चाहिए, यहाँ से शुरू कर दी, ठीक है। बिस्मिल्लाह का जो आदत होती है वो होती है 786, ठीक है, 786 माइनस 30, जैसा कि मैं आपको बताया 30 माइनस करना होती है, ठीक है, मुरब्बा के अंदर, और 4 से डिवाइड करना होती है। तो पहले हम इसका टोटल लेंगे, इसके बाद इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, हमारे पास आ गई वैल्यू 189। ये वो वैल्यू है जो बॉक्स नंबर 1 का अंदर रखी जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये आगे आपका मुरब्बा का, ठीक है। आप इसी तरीके से मुसलस का भी हाथ के हाथ दे लें, टोटल वैल्यू है हमारे पास 786 माइनस करेगी 12, 12 माइनस करने के बाद इसका टोटल लिया, आप इसको डिवाइड कर देगी 3 से, यहाँ पे आ गई वैल्यू 258, ठीक है। ये मुरब्बा ये मुसलस दोनों का वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, और हम पहले मुरब्बा का नक्श भरेगी ताकि हमें पता चले कि किस जगह पे हम लोग फंड मार रहे हैं। 189 बॉक्स नंबर 1 के अंदर 189 आ जाएगी, यहीं से नक्शे स्टार्ट हो रही है, ठीक है। आप कर लीजिए होती है कि जब आपके पास एक वैल्यू निकल के आ जाती है माइनस और डिवाइड करने के बाद, तो फिर आपको क्या कहती है, क्या कहती है, हर जो अगला खाना होगी उसके अंदर एक वैल्यू ऐड करना होगी, यानी कि 189 है तो फिर बॉक्स नंबर 2 के अंदर 190 आनी चाहिए, क्योंकि एक ऐड करती है, एक प्लस करती चली जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला खाना में फिर एक प्लस करेगी तो 191 ठीक है भाई, नक्श भरती है। अब पता कैसे चलेगी कि सही बनी है या नहीं, पता ऐसे चलेगी, ये वाली जो आपकी वैल्यू है 786, ये वाली वैल्यू सबका टोटल बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, ठीक है। 786 आ गई, अच्छा सब में 786 786 786 बराबर हो गए, ठीक हो गई भाई, इसका मतलब हमारी नक्श बिल्कुल सही बनी है, ठीक है। ठीक हो गई भाई, ये आपकी आ गई जो मुरब्बा नक्श होती है उसका वैल्यू, ठीक है। ये 786 जो है जो आपका एक्चुअल वैल्यू है आयत का या नाम का जो भी है वो यहाँ पे आनी चाहिए, अगर वो यहाँ पे आ रही है इस तरीके से तो इसका मतलब आपका नक्श ठीक बनी है, अगर इसके अंदर एक नंबर का भी गलती होगी आपका नक्श खराब हो जाएगी। देखिए आप 787 हो गई, इसका मतलब नक्श खराब हो गई, हर जगह 786 ही आनी चाहिए आपके पास, ठीक है। आप इसका मुसलस बनाएंगे, मुसलस बना के देखें, ठीक है, मुसलस का जो हमारे पास वैल्यू आई थी 258, ये वैल्यू आई थी बॉक्स नंबर 1 के अंदर आएगी 258, ठीक है भाई। अब इसके बाद बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 2 के अंदर क्या आनी चाहिए 259, बॉक्स नंबर 3
भी नहीं है कि गलत लिखी है। अच्छा आप चेक करती है, सही बनी है, 786 सही है, ये वाली सही है, बिल्कुल नक्श, बिल्कुल आपका परफेक्ट करेंगे। ठीक है, ये बिस्मिल्लाह की नक्श होगी। आप बिस्मिल्लाह की नक्श बनानी हो इस तरीके से, आप बना सकती है, इसको भी यूज़ कर सकती है। यहाँ पे आपने 786 लिखना है, ठीक है, उसके बाद इस हिसाब से आप नक्श को काट सकते हैं। ये बैलेंस आपका इक्वल है तो इसका मतलब आपका नक्श सही बनी है, फिर बता दीजिए। ठीक है, अगर बैलेंस इक्वल नहीं है तो फिर गलत बनी है। जो वैल्यू यहाँ है, ये वाला वैल्यू आपका, ये यहाँ आना चाहिए, यानी कि ये टोटल के लिए समझाइए सिर्फ इतना, ये सिर्फ टोटल के लिए है, ये आपने लिखनी नहीं है, इसको हटा दो, ये बस सिर्फ टोटल करो। आपको जब भी आप नक्श बनाए तो पहले आप एक सादा पेपर के ऊपर आप अलग से पहले आप अपना कैलकुलेट कर लें। जब आपके पास इस तरीके से ये टोटल आपका ये बराबर हो रही है, बैलेंस मीजान जिसे कहते हैं बराबर है, तो इसका मतलब आपका नक्श सही बनी है, फिर आप इसको अपना इस्तेमाल में ला सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये तो भी एक चीज़। फिर ऐसा भी होता है कि कुछ काम के अंदर कुछ ना कुछ के अंदर कसर जो होती है ना, कसर वो आ जाती है। ठीक है, तो कसर को उसको किस तरीके से करेंगे, आप इसकी तरफ आते हैं। आप कसर के लिए चेक करते हैं पहले किसके अंदर कसर बनती है। मिसाल के तौर पर अल्लाह का अदद होती है 66। ठीक है, 66 माइनस 30, इसको सम करो, इसको आप इसको डिवाइड कर दीजिए फिर से, इसको मैं डेसिमल में बढ़ा दें, बराबर है, ये नहीं बन रही। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कसर आपका आ रही है। ठीक है, जैसे कि ये 92 अदद है, यहाँ पे आ रही है आपके पास 50, यानी कि आपके पास क्या कहती है, दो अदद बच गई, दो अदद बच गई। ठीक है, इसका भी एक छोटा सा मैं आपको एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ, इसको आप नोट करो अपने पास। तीन तरह का कसर बचती है, ठीक है, एक दो तीन, कसर हमेशा इन्हीं नंबर्स में आएगी, या तो एक बैलेंस बचेगी आपके पास, या टू या थ्री। ये मुरब्बा का है और मुसलस के अंदर 1 और 2। अगर मुरब्बा का आप नक्श बना रही है और कसर आपके पास 2 या 1 आ जाए, अगर 1 आती है तो फिर बॉक्स नंबर आपका क्या कहती है 13 के अंदर एक नंबर बढ़ा देगी, अगर 2 बचे तो फिर बॉक्स नंबर 11 के अंदर, और अगर 3 बच जाए, बैलेंस बच जाए आपके पास, तो फिर बॉक्स नंबर 9 के अंदर चाहिए, नहीं 9 के अंदर नहीं आएगी, यहाँ पर गलती हो रही है, यहाँ पे अपना क्या कहती है 9 आनी चाहिए, यहाँ पे 9 आएगी और यहाँ पे 5 आएगी। ठीक है, अगर एक वैल्यू आपके पास बच जाती है बैलेंस, जिसको कसर कहती है, तो फिर बॉक्स नंबर 13 के अंदर एक का और इजाफा कर देगी, पहले एक एक का करके चल रही थी ना, तो 13 के अंदर 2 का इजाफा हो जाएगी, 2 प्लस हो जाएगी। ठीक है, अगर कसर आपके पास 2 आ रही है तो फिर बॉक्स नंबर 9 के अंदर जाकर के पहले आपको 1 प्लस करनी थी, जैसे नक्शे चाल बढ़ती जाती 191, 192, 193, तो फॉर एग्जांपल बॉक्स नंबर 9 के अंदर अगर आपके पास आ रही है वैल्यू 199। ठीक है, 1 प्लस करने के बाद 199 आ रही है, तो फिर आप 1 और प्लस करेगी, वो 2 प्लस करेगी, यहाँ पे 1 और प्लस करेगी, सॉरी 1 और प्लस करेगी, क्योंकि आपके पास कसर 2 का आया था, इसलिए बॉक्स नंबर 9 के अंदर 1 का प्लस करना पड़ेगा आपको, तो फिर वैल्यू इक्वल हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपके पास कसर 3 का आ रहा है, यानी कि बैलेंस आपके पास 3 आ रही है, तो बॉक्स नंबर 5 के अंदर 1 वैल्यू और एडिशनल आपको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुसलस का है और आपके पास कसर बच रही है 1 मुसलस में, तो फिर बॉक्स नंबर 7 के अंदर आपको 1 मोर प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपके पास 2 बैलेंस बच रही है, तो फिर बॉक्स नंबर 4 के अंदर आपको 1 मोर प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 50 आ रही है, मैं क्योंकि ये कंप्यूटराइज है, इसलिए यहाँ पे ये ऐसा 0.50 दिखा रही है, 0.50 का मतलब यहाँ पे 2 है। ठीक है, और आप जब इसका वो करेंगे प्रैक्टिकल, यानी कि जब आप इसको मैनुअल कैलकुलेट करेंगे, तो मैनुअल कैलकुलेट आप कुछ इस तरीके से होगी आपका। चलिए, आपके पास आगे
का स्क्रीन आ गई, या तो कोशिश करते हैं आपको समझ आए क्या वैल्यू आ रही थी। चलिए देखें, क्योंकि टोटल वैल्यू मोहम्मद का जो आदत बन रही है वो है 92, ठीक है, 92 में से माइनस 30 करने के बाद हमारे पास की वैल्यू 62, ठीक है। तो हम 62 की कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे होगी आपका 4 मैनुअल कैलकुलेशन। मेरा मैथ जो है कमजोर है भाई, तो कोई गलती है तो फिर माफ करना, ठीक है। 62 है, ठीक है। अब 62 को 4 से आपको एक्चुअली डिवाइड करना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाएगी आपका 4, ठीक है। जिसको मैथ आती है उसको समझ में आ रही है कि क्या कहानी चल रही है, ठीक है। यही है आपकी कसर, इधर तुम बच गई 50, ठीक है, और ये आपकी आ गई कसर 2 की। और मैं भी यहाँ पे यही कह रही थी 50 और 0.50, क्योंकि 50 यहाँ पे इसलिए आ रही है क्योंकि मैं कंप्यूटराइज कैलकुलेशन कर रही है, इसलिए यहाँ पे 50 आ रही है, यहाँ पे उस तरीके से नहीं दिखाएगी। तो यहाँ पे कसर 2 का आ गई। तो अगर 2 का कसर आ गई तो हमें बॉक्स नंबर 9 के अंदर 1 वैल्यू प्लस करना पड़ेगी, ठीक है। मुरब्बा की बात कर रही है, 15 हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है जो कि हमें बॉक्स नंबर 1 के अंदर रखनी है, 15, 1 प्लस की 16, फिर 1 प्लस की 17, फिर 1 प्लस की 18, 1 प्लस की 19, 1 प्लस की 20, 1 प्लस की 21, 1 प्लस 22, बॉक्स नंबर 9 हमारे पास ये वाली है। बॉक्स नंबर अगर ऐसे हम इस कैलकुलेशन के हिसाब से कंटिन्यू करेंगे तो फिर यहाँ पे 23 आनी, लेकिन हमारे पास कसर यहाँ पे 2 की आई हुई है, इसलिए यहाँ पे 23 नहीं आएगी, यहाँ पे आएगी 24। अब यहाँ से कंटिन्यू वैसे ही 1 प्लस करके चल जाएगी 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31। अब इसका चेक करेंगे कि सही बनी या नहीं, अल्लाह खैर करे। 92, हाँ बराबर है सर, ठीक है। 2 की कसर थी, बॉक्स नंबर 9 के अंदर 23 आने के बजाय 24 रख दी, इसलिए बैलेंस बराबर हो गया। अगर मैं यहाँ पे 23 कर दी तो क्या होती, तो फिर यहाँ पे 91 हो जाती, बैलेंस बराबर नहीं आती और नक्श गलत हो जाती, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 24, ठीक है जी, समझ में आ गई। कसर अगर 1 की है तो बॉक्स नंबर 13 के अंदर 1 प्लस कर देगी, जैसे मैं यहाँ पे 1 को प्लस करी 22 के बाद 23 आने के बजाय यहाँ पे 24 का वैल्यू रखती। अगर हमारे पास कसर 1 का होती, ठीक है, तो फिर 1 के कसर के अंदर हमें बॉक्स नंबर 13 के अंदर जाके हमें 1 वैल्यू प्लस करना पड़ता, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे आ गए बॉक्स नंबर 13 हमारा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पे कसर अपना एडजस्ट करना होती, 1 का कसर होती तो फिर यहाँ पे 28 नहीं होती, यहाँ पे 29 हो जाती। अगर अभी मैं यहाँ पे 29 करेगी ना तो ये वैल्यू खराब हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि मैं जरूरत से ज्यादा यहाँ पे कर दी, हालांकि आनी नहीं चाहिए, इसलिए यहाँ पे 28 ही आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास 1 का कसर आ रही है तो फिर इस वाला खाना के अंदर आप 1 प्लस कर देगी। अगर 2 का कसर आएगी तो फिर इस वाला खाना में आप 1 प्लस कर देगी, क्योंकि
कि ये बॉक्स नंबर आपका 9 है। अगर इस तरीके से आपके पास तीन का कसर आती है 3 का, फिर बॉक्स नंबर 5 के अंदर 1 वैल्यू प्लस कर दी, हमारी बॉक्स नंबर 5 है ये वाली, ठीक है। मैं कलर इसलिए दे देता हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका, आप अगर हम इसका मुसलस बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, 92 इसको मैंने कर दिया आपके लिए, माइनस 12 और इसको डिवाइड करेगी 3 से, ठीक है। यहाँ पे आ गए हमारे पास कसर कितने का आ गई, 2 का कसर आ गई है यहाँ पे, ठीक है, 2 का कसर आ गई है। और करके देखे मैन वाला ये वाला करेगी ना, कितना 80, वैसे 18 आप निकालेगी तो आपके पास बच जाएगी 2, ठीक है, 26 जो वैल्यू हमें बॉक्स नंबर 1 के अंदर रखनी है ये है, और ये जो 2 है ये हमारी कसर है, ठीक है, जो कि हमें अपना क्या कहते हैं जो मुसलस की जो नक्श है उसका बॉक्स नंबर 4 के अंदर रखना होगी, ठीक है। प्रैक्टिकल करें इसका, 26, क्योंकि मैं कंप्यूटराइज में फिर बता रही है, मैं कंप्यूटराइज कैलकुलेशन कर रही है, इसलिए यहाँ पे मुझे पॉइंट्स में वैल्यू दिखा रही है। आप जब मैनुअल उस तरीके से करेंगे तो फिर वैसे दिखाएगी जैसे मैं अभी आपको करके दिखाई है वहाँ पे, ठीक है। आप इसका नक्श बनाना शुरू करें, बॉक्स नंबर 1 के अंदर 26 आनी चाहिए, ठीक है। मेरे साथ साथ आप अब इस चीज को थोड़ा सा रिपीट करो, कसर 2 का है, जो 2 का कसर है बॉक्स नंबर 4 के अंदर यहाँ पे लिखी हुई है, देखो अगर कसर 2 का बचेगा तो बॉक्स नंबर 4 के अंदर एक वैल्यू और प्लस हो जाएगी, ये 2 का कसर आई भी है, ठीक है, 26 यहाँ पे आएगी 27, ठीक है भाई, बॉक्स नंबर 3 28, बॉक्स नंबर 4 29 नहीं आएगी क्योंकि कसर 2 का है, इसलिए यहाँ पे आएगी 30, यहाँ आएगी 31, 32, 33, 34, 35, अल्लाह खैर करेगा, 92 बराबर आ गई, बराबर है आपकी नक्श बिल्कुल सही बनी है, क्योंकि 92 ये वाला वैल्यू यहाँ आनी चाहिए थी टोटल, और ये टोटल आपका आ चुकी है। जैसे मैं पहले ही बताई ये लिखी नहीं जाती, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताइए कि इसको टोटल इस तरीके से की जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे 2 की कसर थी इसलिए बॉक्स नंबर जो आपका 4 थी उसके अंदर 1 प्लस कर दी, ठीक है, 28 के 29 के बजाय 30 कर दी। लेकिन अगर कसर सिंपल 1 का होती तो फिर ये वाली जो बॉक्स है आपकी बॉक्स नंबर 7 ये वाली, यहाँ पे फिर 33 नहीं आती, यहाँ पे फिर वैल्यू चेंज हो जाती, 34 आती। अगर आप कंटिन्यू पीछे से उसको 1 प्लस करती हुई ला रही है तो ठीक है, एक इस वाला खाना में कसर आती है। अगर क्या कहती है, अगर कसर 2 का हो तो फिर बॉक्स नंबर 4 का अंदर 1 वैल्यू एडिशनल उसके अंदर ऐड करना पड़ती है, ठीक है। और अगर कसर 1 का होती है तो फिर बॉक्स नंबर 7 के अंदर जा करके 1 वैल्यू ऐड करना पड़ जाती है एडिशनल। इसको आप अपने पास नोट करो, फिर आप इसका प्रैक्टिकल आप खुद करना शुरू करो, अपना नाम का आदत निकालो, सिंपल नाम का आदत निकालने के बाद आप इसको कैलकुलेट करो, ठीक है, बिल्कुल इसी हिसाब से आप सर्च को बनाओ।
आपको समझ जाएगी। एक बार गलती होगी, दो बार गलती होगी, तीन बार गलती होगी, वीडियो को दोबारा देखो कितनी बार गलती होगी, ज्यादा तो नहीं होगी ना, कभी तो सही हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको कुछ में आदत में निकाल के दे देती हूँ आपको अभी, तो आप उस हिसाब से आप उसका जो है ना नेक्स्ट बनाना शुरू कर दो। ठीक है, बिस्मिल्लाह का जो आदत होती है वो होती है 7, 8, 6। ठीक है, अल्लाह का होती है 66, मोहम्मद का 92, अभी हम करीब है, अली का होती है 110। अब आप कुछ नहीं करो, ये आदत में निकाल दी, इस आदत को उठाओ, इसको यहाँ पे रखो, आप इसको यहाँ इसको यहाँ पे रखो, आप 110 का मैं मुसल्लस के लिए मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करी, -12 करी, 98 बची, 98 को 3 से डिवाइड करी, देखो डिवाइडेड बाय 3, तो मेरे पास आ गई 32.67, यानी कि 2 का कसर आ गई दोबारा इत्तेफाक से। यहाँ पे इत्तेफाक है, मैं जानबूझ के नहीं करी, वैल्यू चेंज करके देखे मैं, यहाँ पे 92 तो हम कर लेना, 66 करें, 66 बराबर हो गए बैलेंस, यहाँ पे कोई कसर नहीं है, 0-0 हो गए। अच्छा, किसी और नक्श कर ले, वारिस या वारिस का आदत है 707 होती है, या वारिस का आदत इत्तेफाक से, यहाँ भी 2 का जो है वो आ गई या वारिस पे, यहाँ पे करके देखते मैं इसको, एक मिनट, कसर मेरे पास आ गई। पहले हम यहाँ पे कसर आई थी ना हमारे पास, किसके अंदर हम ऐड करती 15, 16, 17, 18। अच्छा, पहले भी 1 का ही आई थी ना, अभी यहाँ पे दोबारा 1 का आ गई है, तो ये फिर इधर आ जाएगी। चलो कोई बात नहीं, एग्जांपल तो आपको समझ में आ गई ना, यहाँ पे ये अभी जो मैं यहाँ पे रखी ना, 707, ये इसमें रात यानी कि इसम अल्लाह वारिस का आदत है। तो ये कुछ आदत में आपको दे दी, इस हिसाब से आप इसको कैलकुलेट करो, इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेगी तो 4 प्राप्त हो जाएगी। बस ये याद रखना एक चीज कि अगर इस जगह पे यहाँ यहाँ कलर चेंज करो, इसका गड़बड़ हो गई, तो अगर इस जगह पे अगर 1 आती है, ठीक है, मुसल्लस में, तो बॉक्स नंबर 7 के अंदर आप 1 और प्लस कर देना। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे बताई थी, इसको आप अपने पास नोट करेगी ना तो आपको आसानी हो जाएगी, जब आपके पास कसर आ रही होगी ना नीचे 1, 2, 3 की, आप इसको देखेगी ना, फिर आप इस बॉक्स के अंदर आप ऐड करेगी तो फिर आप खुद ब खुद इसको कर लेगी। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करो, इंशाल्लाह ताला कोई मुश्किल नहीं है, एक बार गलती होगी, दो बार गलती होगी, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।